हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सीबीएसई हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3, दैट इज मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज। आज हम क्लास 8 के 3rd चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर ही 10th में भी रिपीट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले ये जो पिक्चर है उसमें जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच कोल इज लोडेड अपलोडेड इन अ ट्रक। ठीक है, तो इसी तरह से मिनरल्स को ज़मीनों से निकाला जाता है, उनको ट्रकों में भरा जाता है, फैक्ट्रीज माइंस से ले बहुत सारी एक्टिविटीज़ कनेक्टेड होती है इस मिनरल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मिनरल्स, मिनरल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मिनरल्स जो है इट इज़ अ नेचुरल ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, ये एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसका एक विशेष रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, तो देयर इज टू, दो विशेषताएं हैं मिनरल्स की, एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका एक विशेष रासायनिक संगठन होता है, उसे खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, अ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, हमारी अर्थ पर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन नहीं है, समान नहीं है, असमान रूप से वितरित है। कहीं मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, कम मिलते हैं, कहीं कोई मिनरल्स है, कहीं दूसरा मिनरल्स है, इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। दे आर कंसंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस, और ये जो मिनरल्स होते हैं किसी भी रॉक के एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट होते हैं। हर प्रकार की रॉक में हर तरह के मिनरल्स नहीं मिलते हैं, किसी किसी रॉक में ही उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है कि वहाँ वो जो पर्टिकुलर मिनरल है वहाँ अवेलेबल हो जाता है या उसको क्रिएट हो जाता है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल, सच इज़ द आर्कटिक ओशन, बैड एंड अंटार्कटिका। और इस अर्थ पर बहुत सारे मिनरल्स या खनिज ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे स्थानों पर मिलते हैं जहाँ से उन्हें निकालना आसान नहीं होता है, जैसे अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक ओशन के समुद्र के नीचे। ठीक है, तो ये कहीं भी मिल सकते हैं अर्थ पर। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस, मिनरल्स का फॉर्मेशन, मिनरल्स बनने की प्रक्रिया जो है अनेक तरह की भूगर्भिक क्रियाओं की वजह से होती है और ये अनेक परिस्थितियों का परिणाम होती है, जिसमें टेम्परेचर से लेकर प्रेशर से लेकर केमिकल कंपोजिशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है, तब जाकर कोई मिनरल फॉर्म होता है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस, और बिना किसी मनुष्य की दखलंदाजी के, बिना किसी मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट के मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और किसी भी मिनरल्स को हम उनकी जो है भौतिक गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं, सच इज कलर, किस कलर का जो मिनरल होता है उस कलर के बेस पर हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेंसिटी है, हार्डनेस है, कठोरता के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक उसके जो संगठक है उसके आधार पर हम जो है किसी भी पदार्थ को पहचान सकते हैं। सोल्यूबिलिटी इज आल्सो अनादर फैक्टर। ठीक है, तो इन सब कारकों के आधार पर किसी भी खनिज की पहचान की जा सकती है। और यहाँ साइड में इंफॉर्मेशन है, डू यू नो द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल्स आर ऑल्सो मिनरल्स, हमारे खाने में जो नमक होता है इट इज़ ऑल्सो अ मिनरल, और जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है दैट इज़ ऑल्सो अ मिनरल। तो बहुत सारे मिनरल्स हमारे आसपास होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो मिनरल्स है। तो अपने आसपास ऐसे ही मिनरल्स से बनने वाली चीज़ों को देखो, सोचो, उनकी लिस्ट बनाओ, तो पता लगेगा कि हमारे लाइफ में मिनरल्स कितने यूज़फुल हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के प्रकारों की, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देर आर ओवर 3,000 डिफरेंट मिनरल्स। हमारी अर्थ पर लगभग 3,000 से अधिक प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट 3,000 टाइप के मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, उनके संगठन के आधार पर मिनरल्स आर क्लासिफाइड मैनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। लेकिन उनके संगठन के बेस पर मिनरल्स या खनिजों को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। ये दो प्रकार हैं जिसके आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया गया है, धात्विक और अधात्विक। तो देखिए यहाँ पर मिनरल्स जो है उनके दो टाइप हैं, पहला मेटल्स धात्विक, दूसरा नॉन मेटल्स। फिर ये जो मेटल्स हैं, धातु हैं या धात्विक खनिज हैं, उनको फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट आर फेरस लोह और नॉन फेरस अलोह खनिज, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, मिनरल्स की दो कैटेगरीज हैं, धात्विक और अधात्विक, मेटलिक और नॉन मेटलिक। फिर बात करते हैं मेटलिक मिनरल्स की, धात्विक खनिजों की, कि धात्विक खनिज की क्या विशेषता होती है। द मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, ठीक है। मेटलिक जो होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं, उसमें धातु पाई जाती है कच्चे रूप में, या अयस्क जो ओर के रूप में धातु उनके अंदर होती है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। अब मेटल्स की विशेषताएँ क्या होती है, तो मेटल्स जो है कठोर होते हैं, दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये ऊर्जा, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, बिजली करंट के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन, और इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये चमकीले होते हैं, ठीक है। दीज आर द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। तो ये आपको याद रखना है, मेटल्स की विशेषता ये चारों होती है, चमकदार होते हैं, भारी होते हैं, कठोर होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखनी है। अब आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सम एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रहे हैं, ये आयरन का ओर है जो हल्का रेडिश दिखता है, बॉक्साइट का ओर है, मैंगनीज का ओर है, और लास्ट में क्रोमाइट का, और ये चार और आपको दिखाए गए हैं। ज़मीन में इस तरह के चट्टानों के बीच में छोटे छोटे कणों के रूप में ये कंसंट्रेट होते हैं, फिर इनको खोद करके ज़मीन में से निकाला जाता है, और फिर उनको अलग अलग प्रोसेस से मेटल्स प्राप्त किए जाते हैं। मेटलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। फिर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो मेटल्स होते हैं वो लोह या अलोह दोनों प्रकारों में से हो सकते हैं। कोई बहुत से मेटल या धातु जो है वो लोह प्रकार के होते हैं, बहुत से अलोह प्रकार के होते हैं। अब लोह कौन से होते हैं, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। ऐसे सभी खनिज पदार्थ या धात्विक खनिज जिनमें लोहे की मात्रा सम क्वांटिटी ऑफ आयरन इज फाउंड, दे आर फेरस मिनरल्स। मतलब कुछ खनिज ऐसे होते हैं, धात्विक खनिज जिनमें कुछ मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है, लोहे की तरह भारी, हार्ड, मजबूत होते हैं, वो खनिज जो हैं वो फेरस मेटल्स कहलाते हैं। और इनके एग्जांपल हैं यहाँ पर जो हैं, दैट इज क्रोमाइट, मैंगनीज, क्रोमाइट, ये सब जो है वो किसके एग्जांपल हैं, फेरस मेटल के। नॉन फेरस मिनरल्स डजंट कंटेन आयरन बट दे कंटेन सम अदर मेटल्स। जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उनमें आयरन नहीं मिलता, उनमें दूसरे अलग तरह की धातुएं पाई जाती है, जैसे एग्जांपल है इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, ये सारे जो है वो नॉन फेरस हैं, ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, इनमें आयरन नहीं होता है, ठीक है, कठोर, ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं ये आयरन की तरह। तो ये नॉन फेरस या अलोह धात्विक खनिज कहा जाता है। तो क्लियर है यहाँ पर आपको, ठीक है, मेटल्स जितने भी हैं वो। अब हम बात करते हैं नॉन मेटलिक अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उनमें धातु नहीं पाई जाती है, दे डिड नॉट कंटेन एनी मेटल, डू नॉट कंटेन मेटल, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल। जिनमें मेटल होता ही नहीं, धातु होती ही नहीं, दे आर नॉन मेटलिक। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम्स आर एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स, ठीक है। चूना पत्थर है, अभ्रक है या जिप्सम है, वो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल के एग्जांपल हैं, जिनकी पिक्चर आप यहाँ नीचे देख सकते हो। कोयला और कोल इज ऑल्सो अ
नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ कोयला दिख रहा है आपको, पेट्रोलियम इज नॉन मेटल, जिप्सम एंड लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये सब क्या है? नॉन मेटल। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटलिक मिनरल्स, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, इजीली यू कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स दैट दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम। हाँ, एक एक्टिविटी करते हैं कि इन जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से कौन से फेरस हैं, नॉन फेरस है या फिर नॉन मेटलिक हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आयरन, गोल्ड, मैगनीज, कोल, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सन, कॉपर, क्रोमाइट और सिल्वर दे रखे हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो तो देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें से। तो ये रहे आंसर आपके, फेरस में आयरन, मैगनीज और क्रोमाइट, दीज ऑल थ्री आर फेरस मिनरल्स, ये फेरस मिनरल्स हैं। फिर नॉन फेरस में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है वो तीनों नॉन फेरस हैं। और नॉन मेटलिक की बात करें तो कोल, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, दीज फोर आर जो है वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। वो रॉक, रॉक्स जो होते हैं वो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो रॉक जिनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं दे आर कोल्ड या नॉन एज ओर्स, उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। यानी कच्चे खनिज पदार्थ वाली चट्टानों को जो है अयस्क कहा जाता है। ऑल्दो मोर देन 2,800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, अर्थ पर 2,800 से ज़्यादा, नियर अबाउट 3,000 मिनरल्स जो है आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं। ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड ओर मिनरल्स, लेकिन उनमें से सिर्फ 100 ही अयस्क वाले प्रकार के मिनरल्स हैं। दस वन कैन ईजिली नोटिस दैट ऑल मिनरल्स आर रॉक्स बट ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स, ठीक है। तो चट्टानों में ही मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन सभी चट्टानों में मिनरल्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है, मिनरल्स निकालने की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। तो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तीन एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, वन इज़ माइनिंग, सेकेंड वन इज़ ड्रिलिंग एंड थर्ड वन इज़ क्वेरिंग, ठीक है। खनन, प्रवेदन और आखनन, ये तीन प्रकार की जो है खनिज निकालने की विधियां हैं। खनन के फिर दो प्रकार है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग, ठीक है, जिन्हें कूप की खनन और दोनों कहा जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग में आप पिक्चर देख सकते हैं किस तरह से जमीन की ऊपरी परत को खोद खोद कर खनिज धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर ऊपर मिलते रहते हैं, निकालते नीचे नीचे जाते रहते हैं और निकालते रहते हैं। शाफ्ट माइनिंग एक तरह के जमीन के अंदर सुरंग जो होती है उस तरह की बनाकर फिर उसमें से खनिजों को निकाला जाता है। ड्रिलिंग जो होती है मेनली लिक्विड और गैसियस जो मिनरल्स होते हैं, द्रव और गैस अवस्था में जो खनिज पाए जाते हैं, पेट्रोल और CNG, LPG टाइप के, उनको निकालने के लिए ज़मीन के अंदर पाइपलाइन डालनी पड़ती है। तो उस पाइपलाइन डालकर खनिजों को निकालने की प्रक्रिया दैट इज़ ड्रिलिंग है। और फिर क्वेरिंग जो होता है, जो खनिज जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ज़्यादा उसमें खोदना नहीं पड़ता है, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हटाकर फिर खनिज निकालते हैं, दैट इज़ आखनन और क्वेरिंग, ठीक है। तो पिक्चर से साफ है, अभी हम इनको उनकी डेफिनेशन के साथ देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो वो प्रक्रिया जिसके अंदर, जिसके द्वारा हम खनिजों को जमीन के अंदर से बाहर निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो उसे खनन कहते हैं जिसमें खनिजों को बाहर निकाला जाता है। खनिजों को बाहर निकालने की अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं, तीन प्रक्रियाएँ हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शेलो डेप्थ, जो कम गहराई पर ही मिल जाते हैं, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। तो ऐसे खनिजों को सरफेस की ऊपर की परत को हटाकर ही निकाला जाता है, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। फिर बात करते हैं प्रवेदन या ड्रिलिंग की। डीप बोर्स, गहरे कुएं
or called shafts have to be met to reach minerals deposit that lie at greater depth. हाँ, फिर बहुत सारे खनिज जो है बहुत अधिक गहराई में, ज़मीन के अंदर गहराई में मिलते हैं, तो उनके लिए ज़मीन के अंदर सुरंगें बनानी पड़ती है और उनको फिर निकाला जाता है. दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग या कूपक खनन इसको कहा जाता है, जिसमें गहरी सुरंगें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बनाकर फिर खनिजों को निकालते हैं. फिर आता है प्रवेदन या ड्रिलिंग. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओकर फार बिलो द अर्थ सरफेस. ठीक है, ये दोनों जो हैं अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे मिलते हैं, पेट्रोलियम और कोल. तो ऐसे में इनको जो है मतलब ज़मीन खोद कर नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए फिर ज़मीन में ड्रिलिंग करनी पड़ती है. पाइपलाइन ट्यूबवेल की जैसे पाइपलाइन ट्यूबवेल ड्रिलिंग देखी होगी, उसी सेम पैटर्न से ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके पाइप्स डाले जाते हैं और फिर डीप वेल्स और बोर टू मैक देम आउट, फिर उनको बाहर निकाला जाता है. दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, इसको प्रवेदन कहा जाता है. फिर मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट, और जो बिल्कुल सरफेस पर ही मिलते हैं जिनको खोद कर ही निकाला जा सकता है बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, तो उसे आखनन कहा जाता है. तो दीज आर द 3-4 डेफिनेशंस. फर्स्ट वन इज माइनिंग, खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया. दूसरा जो है ओपन कास्ट माइनिंग, जिसमें जमीन के पास ही ऊपरी लेयर को हटाकर खनिज निकाले जाते हैं जो कम गहराई पर मिलते हैं, वो ओपन कास्ट माइनिंग है. जिसमें बहुत ज़्यादा गहराई में मिलते हैं तो फिर सुरंगें बनाकर निकाला जाता है, दैट इज़ शाफ्ट माइनिंग. फिर जिसमें ड्रिलिंग के द्वारा जो लिक्विड और गैसियस मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में मिलते हैं, उसे ड्रिलिंग या प्रवेदन कहते हैं. और जिसमें अर्थ की ऊपर की लेयर पर ही मिल जाते हैं, जिन्हें खोदना नहीं पड़ता ज़्यादा, उसे क्वेरिंग या आखनन कहा जाता है. तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. अब वर्ल्ड में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किस प्रकार, कहाँ कहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं. तो मिनरल्स से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स. मिनरल्स जो है चट्टानों में मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स की. अब सेवन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नस, सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक. तो इन तीनों ही प्रकार के चट्टानों में ही जो है मिनरल्स मिलते हैं. सम आर फाउंड इन इग्नस रॉक्स, सम आर इन मेटामॉर्फिक एंड सम आर इन सेडिमेंट्री रॉक्स. जनरली मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो बहुत हार्ड कठोर मेटलिक धात्विक खनिज होते हैं वो इग्नस और मेटामॉर्फिक में मिनरल मिलते हैं. ठीक है, तो मेटलिक आर फाउंड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक. और अगर आप इसको ईजिली समझना चाहें तो नॉन मेटलिक्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, तो थोड़ा ईजी हो जाता है. मोस्टली ये इसी तरह से है. फिर आयरन ऑन इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपोजिट इन ऑन्टेरियो कैनेडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स इन प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नस मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के नाम दिए हैं जहाँ पर आग्नेय चट्टाने और कायंत्रिक चट्टाने पाई जाती है, वहाँ पर ये उनके अंदर ये मिलते हैं. सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटलिक मिनरल्स. सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसमें नॉन मेटलिक मिनरल अधात्विक खनिज जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं, लाइक लाइमस्टोन. ठीक है, लाइमस्टोन डिपोजिट्स ऑफ कॉकेशस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपोजिट्स ऑफ जॉर्जिया, यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स. मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा. ठीक है, तो पेट्रोलियम डीजल भी जो है, पेट्रोल डीजल जो होते हैं या गैस जो होती है, वो भी नॉन मेटल्स हैं और ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मेनली पाए जाते हैं. तो सिंपल से याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में जो मेटलिक मिनरल्स हैं वो इग्नस और मेटामॉर्फिक में मिलते हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें नॉन मेटल्स ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए जाते हैं इन जनरल. ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अब कहाँ कहाँ कौन कौन से मिलते हैं वर्ल्ड में, किस देश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं. डू यू नो, यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ ए रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर. ठीक है, तो खनिजों को पहचाना भी जा सकता है, जब चट्टानों को देख कर हम खनिज भी पहचान सकते हैं. जनरली जो कॉपर की चट्टाने रहती है, रॉक्स रहती है, वो ब्लू कलर की दिखाई देती है. दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. अब हम बात करते हैं मिनरल्स कौन कौन से कॉन्टिनेंट में क्या क्या कहाँ कहाँ कितने मिलते हैं. तो हर कॉन्टिनेंट कुछ स्पेशल खनिजों के लिए जाना जाता है. तो देखते हैं किस महाद्वीप में, एशिया, यूरोप, अमेरिका
अफ्रीका में कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज मिलते हैं। दिस इज़ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। ये वर्ल्ड का मैप है जहाँ पर दो तरह के खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। फर्स्ट मैप में जो है लोहा, तांबा और बॉक्साइट जो तीन खनिज हैं वो दिखाए गए। आयरन जो है वो वर्ल्ड की बहुत सारे प्लेसेस पर मेनली जो है देख सकते हैं, कनाडा जो है यहाँ पर वहाँ दिखाया गया है, यूरोप में भी कहीं आयरन दिखाया गया है, इंडिया में भी जो छोटा नागपुर है वहाँ पर आयरन की जो माइंस हैं। फिर दूसरा जो है इसमें कॉपर जो है वो भी वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पर दिखाया गया है। फिर थर्ड बॉक्साइट जो है हम देख सकते हैं ईस्ट अफ्रीका में ये बॉक्साइट की खाने हैं, ये ब्राज़ील और यहाँ पर पाई जाती है। आयरन और जो बॉक्साइट दोनों ही चाइना उसका मेजर प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया में भी बॉक्साइट और आयरन दोनों मिलते हैं। तो वर्ल्ड के अलग अलग देशों में ये मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर सेकंड मैप जो है दैट इज़ अबाउट ऑयल एंड कोल, पेट्रोल और कोयले के लेकर दिखाया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं अमेरिका जो है वहाँ पर कोल का बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम भी है। फिर यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में है, मेनली जो पेट्रोल है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है एशिया और अफ्रीका का, सहारा का डेजर्ट एरिया और ये जो साउथ वेस्टर्न एशिया का है सऊदी अरेबिया और इस पार्ट में पेट्रोलियम का कंसंट्रेशन है। इंडिया में भी राजस्थान में आसाम में आप पेट्रोल देख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड के कुछ खनिज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं। अब हम खनिजों के वितरण में अब हम देखते हैं एशिया की स्थिति, चाइना एंड इंडिया। एशिया में चाइना और इंडिया जो हैं खनिजों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर से डिफरेंट टाइप के खनिजों के, जिसमें आयरन और यहाँ पर दोनों ही देशों में चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, और एशिया टिन का विश्व में 50% से भी अधिक उत्पादन करता है। तो टिन का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एशिया। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। और वर्ल्ड के देशों में बात करें एशिया के, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो हैं टिन के बड़े उत्पादक हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। ठीक है, चाइना जो है आयरन और टिन के अलावा जो है वहाँ पर सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन का भी बहुत अधिक उत्पादन होता है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण खनिज हैं जो पाए जाते हैं। फिर हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये लोहे का एक बहुत बड़ा प्रमुख उत्पादक है यूरोप। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और आर रशिया, अब यूरोप में रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस में लोहे का बहुत अधिक उत्पादन होता है। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लैड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ठीक है, तो तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज जो है पूर्वी यूरोप और रशिया वाले जो यूरोप का रशिया है उसमें मिलते हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन थ्री जोन्स। अमेरिका में थ्री जोन्स हैं जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। द कैनेडियन रीजन, कैनेडियन शील्ड जिसको कहते हैं, उसमें जो कि महान झील प्रदेश के आसपास है। दूसरा अप्लेशियन रीजन जो कि पूर्व का क्षेत्र है, एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, और जो पश्चिम की रॉकी पर्वत का एरिया है वहाँ पर। तो तीन क्षेत्रों में मेनली यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, कैनेडियन शील्ड में, अप्लेशियन रीजन में और रॉकी एरिया में। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन्स। आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर जो है कैनेडियन शील्ड में मिलता है, कोल जो है अप्लेशियन रीजन में मिलता है, और वेस्टर्न कॉर्डिलियर्स हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लैड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे खनिज जो है नॉर्थ अमेरिका के इन तीनों रीजन में पाए जाते हैं। अमेरिका जो है सभी प्रकार के खनिजों का एक मेजर प्रोड्यूसर है। इनकी स्थिति मैप में देखते हैं तीनों ही क्षेत्रों की, तो मूव करते हैं हम अमेरिका के मैप की तरफ। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ये अमेरिका का मैप है जिसमें आपको अमेरिका के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दिखाए गए। कैनेडियन शील्ड जो है वो दिखाई गई है, ये है, फिर ये अप्लेशियन एरिया है और ये रॉकी माउंटेंस का एरिया है। तीन अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स हैं जहाँ पर खनिज मिलते हैं, और इन्हीं में से ये जो बीच का एक एरिया है दैट इज़ ग्रेट लैक्स। ठीक है, ये
महान झील प्रदेश है जहाँ लैक सुपीरियर और उसके साथ ईरी ओंटेरियो क्यू और सभी तरह की ह्यूरन और सारी झीलें हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील प्रदेश है, तो ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से ये जो इसके फिजिकल मैप ऑफ अमेरिका है, और इसी के आधार पर यहाँ पर जो है खनिजों का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। अमेरिका और कनाडा दोनों ही जो है इस महाद्वीप के खनिजों में धनी देश हैं। यहाँ पेट्रोलियम से लेकर कॉपर, कोल जो है सभी महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका जो है वो उसमें ब्राज़ील जो है इस कॉन्टिनेंट का सबसे मेजर कंट्री है, एंड ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील जो है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के लोहे का उत्पादक देश है। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर के या तांबे के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के रूप में चिले और पेरू है, ये दोनों ही जो है इसी महाद्वीप में है। फिर ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमोंग्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, ठीक है, टिन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर ब्राज़ील एंड बोलीविया हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपोजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया। तो साउथ अमेरिका बहुत सारे मिनरल्स में एक धनी क्षेत्र है, और अलग अलग कंट्री जो है इसमें उसके प्रमुख उत्पादक हैं, लेकिन आपको मेनली चिले का याद रखना है, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री। फिर अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज महाद्वीप में पाए जाते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम, सबसे बहुमूल्य खनिज जो होते हैं, जो बहुत महंगे माने जाते हैं, डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, उन तीनों ही खनिजों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है अफ्रीका है। और अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे, ये तीन कंट्री जो हैं प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, गोल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, ये हैं, और इसके अलावा पेट्रोलियम भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। फिर हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल, और ये वर्ल्ड के प्रमुख उत्पादकों में से है सोना, हीरे, लोहा, टिन और निकल के प्रोडक्शन में। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज, और यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। कालगोर्ली एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट गोल्ड, ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो ये कालगोर्ली और कूलगार्डी जो है वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया में जो गोल्ड के सबसे बड़े डिपॉजिट्स के रूप में माने जाते हैं। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मेनली एक डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है गोल्ड मिलता है, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख महाद्वीप हैं, उनके बारे में, वहाँ के खनिजों के बारे में हैं। फिर हम चलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ ह्यूमन बींग्स तो नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो उसका भूगर्भिक एरिया है उसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है खनिज पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट कोल इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर कोल के बहुत बड़े भंडार माने जा रहे हैं जो कि ईस्ट अंटार्कटिका के आसपास हैं, उसकी भविष्यवाणी की गई है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज, और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सोना, चांदी, पेट्रोलियम और लोहा जो है वो भी व्यावसायिक उत्पादन कर सकते हैं, उतनी मात्रा में पाए जा सकते हैं। ये अंटार्कटिका का मैप है। यहाँ पर अभी उत्खनन या एक्सट्रैक्शन जो है उतना नहीं हो पाया है, लेकिन इन भविष्य में शायद इन यहाँ से भी खनिजों का बहुत अधिक मात्रा में उत्खनन किया जा सकता है जब ज़रूरत पड़ने पर। तो ये हो गया सभी महाद्वीपों में खनिजों की जो है उपलब्धता और उनका जो है प्रोडक्शन जो है। अब आपकी जानकारी के लिए, दिस इज़ ग्रीन डायमंड, आप देख सकते हैं, अ ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड, विश्व में सबसे
कम मात्रा में जो डायमंड मिलते हैं उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ग्रीन डायमंड को माना जाता है। ये ग्रीन डायमंड का ओर है जिसको पॉलिशिंग अभी बाकी है। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और विश्व में सबसे पुरानी चट्टानें जो हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दे डेट फ्रॉम 4,300 मिलियन ईयर्स अगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। और वो जो चट्टानें ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है वो अर्थ की फॉर्मेशन के सिर्फ 300 मिलियन ईयर्स के बाद ही बनी है, सबसे पुरानी जो है रॉक है। दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द रेयरेस्ट डायमंड दैट इज़ ग्रीन डायमंड। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में खनिजों का वितरण, भारत में किस प्रकार से खनिज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो भारत जो है वो भी खनिजों के मामले में बहुत रिच कंट्री है, बहुत सारे खनिज हमारे देश में पाए जाते हैं, जिसमें आयरन जो है वो इंडिया में बहुत अच्छे से मिलता है। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, जो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट टाइप के जो आयरन हैं वो इंडिया में मिलते हैं। ये आयरन की माइंस है इंडिया की, उनके पिक्चर्स हैं आपके सामने। द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और ये जो आयरन है वो हमारे देश के छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो पार्ट है और कुछ मात्रा में कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा में भी मिलता है। बोकारो, जमशेदपुर, ये सब जो है इसकी मेन माइंस हैं जो इंडिया में हैं। फिर बॉक्साइट की बात करते हैं, बॉक्साइट का भी इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है। इंडिया में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। मध्य प्रदेश इसका एक मेन प्रोड्यूसर स्टेट है। फिर माइका या अभ्रक जो है उसके मामले में हम वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। और इंडिया में झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जो हैं वहाँ पर माइका जो है वो बहुत अधिक मात्रा में, अभ्रक का बहुत अधिक उत्पादन होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड में सबसे बड़े निर्यातक भी हैं इस माइका प्रोडक्शन में। ये जीके में और फैक्ट में याद रखने वाला क्वेश्चन है। फिर कॉपर की बात कर रहे हैं, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान। कॉपर प्रोडक्शन में राजस्थान का खेतड़ी, झुंझुनू खेतड़ी का जो एरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर। ठीक है, तांबे के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। फिर अगले खनिजों की बात करें तो अगले खनिजों में इंडिया में मैग्नीज जो है एक महत्वपूर्ण खनिज है। और इंडियाज मैग्नीज डिपोजिट्स लाइन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो इन महत्वपूर्ण स्थानों पर जो है हमारे देश में मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। फिर लाइमस्टोन की बात करें, चूना पत्थर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण खनिज है जो भारत में पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स एरियाज में। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो इन सभी में ये चूना पत्थर पाया जाता है। फिर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो भी इंडिया में निकाला जाता है। यहाँ आपके सामने जो इंडिया की केजी माइंस है, कोलार गोल्ड माइंस है, केजीएम जिसको कहा जाता है, वहाँ का पिक्चर है जिसमें आप गोल्ड के एक्सट्रैक्ट चट्टानों में देख सकते हैं। इस तरह से चट्टानों में सोने के मिलते थे, लेकिन अभी ये कोलार गोल्ड माइंस जो है वो क्लोज हो चुकी है, कर्नाटका में स्थित थी। ठीक है, ये और ये गोल्ड की जो है मेजर प्रोड्यूसिंग थी। दीज माइंस आर अमोंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग दिस ओर आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और ये जो कोलार माइंस है वो वर्ल्ड की सबसे गहरी खानों में से एक मानी जाती है, और यहाँ से गोल्ड निकालना बहुत महंगा हो चुका है अब, क्योंकि बहुत गहराई से इसको निकालना पड़ता है। तो अब यहाँ बहुत कम क्वान्टिटी में जो है गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगले खनिज के रूप में सॉल्ट, नमक का भी भारत एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में दो तरह का नमक बनाया जाता है, चट्टानी रॉक सॉल्ट जो होता है वो भी मिलता है, और दूसरा जो है ओशन या समुद्रों से मिलने वाला नमक है। सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी लैक्स एंड रॉक्स। ठीक है, झीलों से प्राप्त नमक भी होता है। राजस्थान में स्पेशली सांभर, पचपदरा, डीडवाना, ये लैक्स हैं जहाँ पर झीलों का खारा नमक जो है वो बनाया जाता है, जबकि गुजरात और इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नमक बनाया जाता है, समुद्री नमक। और इंडिया जो है इसका वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है और एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, ये जो है नमक की ढेरियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और नीचे जो है आपको लाइमस्टोन जो है ज़मीन में से निकाला जा रहा है क्वेरिंग प्रोसेस के थ्रू, आखनन की प्रक्रिया के द्वारा।
ठीक है। तो ये भारत के सभी प्रमुख खनिजों की बात हो जाती है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उन स्टेट्स के नाम जो हैं, ये आपकी एक्टिविटी होमवर्क के रूप में है। यू हैव टू फाइंड आउट। और अगर इसका आंसर चाहिए तो ये है, आपको एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स हमारे क्या काम आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनरल्स आर वेरी वेरी यूजफुल। हम अपने घर में चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे हमें मिनरल्स दिखाई देंगे, उनकी बहुत अधिक ज़रूरत जो है हमारी आज की सभ्यता मेनली उन पर डिपेंडेंट है। तो मिनरल्स के क्या क्या यूज़ हैं, तो सबसे पहले तो मिनरल्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज़, सभी तरह के उद्योगों में मिनरल्स जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योग जो है मेनली मिनरल्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं जेम्स कटिंग में काम में आते हैं और वो बहुत हार्ड सब्सटेंस से बने रहते हैं, तो वो भी रहते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। फिर इन मिनरल्स से ज्वेलरी भी प्रोडक्शन किया जाता है, जो गोल्ड सिल्वर डायमंड जो है प्लेटिनम है उनसे ज्वेलरी प्रोडक्शन होता है। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर या तांबा एक ऐसा खनिज है जो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों में, स्पेशली इलेक्ट्रिक आइटम्स में बहुत अधिक यूजफुल होता है। कॉइन से लेकर पाइप्स तक उसके बनते हैं। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्स। क्वार्ट्स की चट्टानों से जो है सिलिकॉन मिलता है, जिसका उपयोग है कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसकी चिप्स बनाने में होता है। फिर एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स। बॉटलिंग इंडस्ट्री जो होते हैं, जो कैंस होते हैं पेप्सी कोको कोला इन सब के जो कैंस होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल्स में इंजिन्स बनते हैं वो भी एल्यूमिनियम के होते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी हल्का होता है, रादर आयरन की तुलना में कम वजनी होता है, कम भारी होता है। बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर और मिनरल्स जो है हमारे घर मकान बनाने से लेकर खाना बनाने के जो बहुत सारे किचन वेयर होते हैं उनमें भी मिनरल्स का यूज़ होता है। बहुत सारे बर्तन जो है एल्यूमिनियम के बनते हैं, एरोप्लेन इंडस्ट्री जो है उसमें भी जो है एल्यूमिनियम का बहुत यूज़ है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ मिनरल्स, वेरियस यूजेज देर आर एंड होल वर्ल्ड इज़ नाउ डिपेंड ऑन मिनरल्स, ठीक है। इसके बाद जब मिनरल्स इतने इम्पोर्टेंट हैं तो मेन चीज़ आती है, वी हैव टू कंजर्व मिनरल्स, ठीक है। संसाधन या मिनरल्स, खनिजों का संरक्षण, ठीक है। तो खनिजों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता है कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल्स अनवीकरणीय संसाधन हैं जो पुनः जल्दी प्राप्य नहीं होते हैं, जल्दी नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेक्स थाउजेंड्स ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स, और खनिजों के बनने में हज़ारों वर्षों का समय लगता है, तो इस वजह से ये जो कंजर्वेशन है बहुत ज़रूरी है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनके बनने की प्रक्रिया और इनकी यूज़ करने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उतनी मात्रा में ज़मीन में ये फिर से बन नहीं रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि माइनिंग की प्रोसेस में बहुत सारे खनिज टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका पाउडर बन जाता है जो किसी काम में नहीं रहता है। तो उस समय भी माइनिंग प्रोसेस में भी खनिजों का जो नुकसान होता है उसको रिड्यूस करने की, वेस्टेज को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर एन विच विद द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंसर्व, ठीक है। रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इन मेटलिक जो रिसोर्सेज या मिनरल्स हैं उनको बार बार हम यूज़ में ले सकते हैं और इस तरह से रिसोर्स कंजर्वेशन या मिनरल कंजर्वेशन कर सकते हैं। और फिर मिनरल कंजर्वेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है थ्री आर्स जिसको हम कहते हैं, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। थिंक एंड एक्ट, वी हैव टू थिंक अपॉन दिस। हमें इन खनिजों का या मिनरल्स का बहुत ही सोच समझ कर उपयोग करना है, नहीं तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बच पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट गोल है हमारा, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो थ्री आर्स को हमें जो है उपयोग में लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Goodbye to all.